अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर 33 में आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एस ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं बेटा? जो आपका पीरियोडिक टेबल का पहला और दूसरा ग्रुप है, दूसरा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये पहला ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडॉन, ये दूसरा ग्रुप। ये जो ग्रुप फर्स्ट ए एंड ग्रुप सेकंड ए, इन दोनों ग्रुप्स को आप नेम देते हो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। आपको पता है पीरियोडिक टेबल को आपने चार हिस्सों में तकसीम किया गया था, एस, पी, डी और एफ में। जो पहला ब्लॉक है वो एस ब्लॉक है। जो पीरियोडिक टेबल में पहला और दूसरा ग्रुप है ना, उसे आप नेम देते हो एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि इनमें से आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देख लो, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपको एस ऑर्बिटल में मिलेगा, इसी वजह से आपने इनको नेम दिया एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिखते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड ए आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में जो पहला और दूसरा ग्रुप है उसे आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स का नेम देते हो। क्यों? बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाइज इन एस ऑर्बिटल। क्योंकि इन दोनों ग्रुप्स का किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देख लो, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपको एस ऑर्बिटल में मिलेगा, इसी वजह से आपने इन दोनों ग्रुप का नेम रखा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं। अब ये जो पहला ग्रुप है, इसे हम नेम देते हैं अल्कली मेटल का, और ये जो दूसरा ग्रुप है, इसे हम नेम देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल का। तो आज सिर्फ इन दोनों का हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि अल्कली मेटल्स हम किसे कहते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स किसे कहते हैं। इन दोनों का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अल्कली मेटल्स। जी, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं अल्कली मेटल्स का। बट ये जो मेटल्स ग्रुप फर्स्ट ए की आपके सामने लिखी गई हैं, ये सारी की सारी जो हैं ये अल्कली मेटल्स हैं। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोबेडियम, सीजियम, हाइड्रोजन पहले ग्रुप का ही एटम है, लेकिन हाइड्रोजन को हम मेटल नहीं कहते बिकॉज इट्स अ गैस। हाइड्रोजन एक गैस है, इसी वजह से ये पहले ग्रुप का एलिमेंट तो है बट इट्स नॉट मेटल। चूँकि हम अल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं तो हम हाइड्रोजन को निकाल के बाकी एलिमेंट्स लिखते हैं। अब ये जो वर्ड अल्कली है ना, अल्कली ये एक अरेबिक वर्ड है, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसका मीनिंग है एशिस, राख। अब क्वेश्चन ये है कि इन एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स क्यों फिर कहा जाता है? ऐश से इनका रिलेशन क्या है, राख से इनका रिलेशन क्या है? तो इसकी रीज़न ये है कि जो अरेबिक लोग थे, उन्होंने सोडियम और पोटाशियम वगैरह जो है ना, ये पौधों की राख से हासिल किए। सोडियम और पोटाशियम पौधों की राख में पाए जाते थे, इसी वजह से फिर उन्होंने इन मेटल्स को अल्कली मेटल्स का नेम दिया। ठीक है, इसकी एक और भी रीज़न है, अल्कलीज इन्हें क्यों कहा जाता है, अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वाटर के साथ मिलकर अल्कलीज बनाते हैं, वो बात की बात है। ये अभी इनका इंट्रोडक्शन है, अर्ली हिस्ट्री है कि शुरू में जो अल्कली था ना, ये एक अरेबिक वर्ड जिसका मीनिंग है एशिस। चूँकि सोडियम और पोटाशियम ज़्यादातर प्लांट्स की ऐश से बनते थे, राख से हासिल किए जाते थे, इसी वजह से इनको अल्कली मेटल कहा जाता था। अब
इन अल्कली मेटल की दूसरी खसूसियत, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम 11, पोटाशियम 19। अब किसी एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लो, लिथियम 3 की देख लो, सोडियम 11 की देख लो, 1s2 2s1, इसी तरह 1s2 2s2 2p6 3s1। इनका जो वेलेंस शेल, वेलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो किस ऑर्बिटल में पाया जाता है? वो एस ऑर्बिटल में पाया जाता है। इसी वजह से हम इनको अल्कली मेटल, इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स का नेम भी देते थे। वन इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल, ठीक है, एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से वाजह हो गया। दूसरी बात जो यहाँ पे हमने करनी है, इनकी आयोनाइजेशन इनर्जी के बारे में होगी। बेटे इनकी आयोनाइजेशन इनर्जी कम होती है, डाउन द ग्रुप मूव करते जाओ, साइज बढ़ते आयोनाइजेशन इनर्जी कम होती जाती है। तो इनकी आयोनाइजेशन इनर्जी कम होती है, आयोनाइजेशन इनर्जी क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाने की सलाहियत रखती हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na प्लस बनाने की सलाहियत रखती है, बिकॉज इट हैव लो आयोनाइजेशन इनर्जी। आयोनाइजेशन इनर्जी क्या है? द इनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। तो इसका मतलब अगर इनके लिए आयोनाइजेशन इनर्जी लो है, तो ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखती हैं। अब लास्ट, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये आयनिक कंपाउंड बनाने की सलाहियत रखते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन होके NaCl बनाने की सलाहियत रखती हैं, और NaCl के इट्स एन आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो अल्कली मेटल की ये प्रॉपर्टी जो है कि अल्कली मेटल्स आयनिक कंपाउंड बनाने की सलाहियत रखती है, मतलब अल्कली मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखती हैं तो इजीली आयन में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड बनाने की सलाहियत भी रखती हैं। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन हो गया अल्कली मेटल का। नेक्स्ट कुछ बात कर लेते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। नेक्स्ट हमारे पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बेटे जो पीरियोडिक टेबल में दूसरा ग्रुप है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा? अर्थ मेटल तो इसलिए कहा कि इनका ज़्यादातर हिस्सा अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, ज़मीन में पाया जाता है, इसलिए हमने इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल का। अब दूसरी बात, ये जो अल्कलाइन अल्कली, हमने पहले जो पहला ग्रुप है उसको भी अल्कली कहा, दूसरे को भी अल्कली कहा। इसकी एक रीज़न ये है कि जब इन अल्कली मेटल्स को, चाहे वो लिथियम हो, सोडियम हो, या इन अल्कलाइन अर्थ मेटल को, चाहे वो मैग्नीशियम हो, बेरिलियम हो, जब इनको आप वाटर में डिज़ोल्व करते हो ना, तो वाटर सॉल्युबल बेसिस यानी कि अल्कलीज बनती हैं। अल्कलीज किसे आप बोलते हो? ऐसी बेसिस जो पानी में आसानी के साथ हल हो जाए, उन्हें आप अल्कलीज नेम देते हो। तो जब आप इनको वाटर में ऐड करते हो, तो वाटर सॉल्युबल बेसिस जिन्हें आप अल्कलीज बोलते हो, वो बनती हैं। इसी वजह से आप इन दोनों ग्रुप के साथ, इसके साथ भी आप अल्कली लगाया आपने, अल्कलाइन अर्थ मेटल, और पहले ग्रुप को भी आप अल्कली मेटल कहते थे, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके वाटर सॉल्युबल बेसिस बनाती हैं, अल्कलीज बनाती हैं। तो ये हमारे पास हो गई इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखो, मैग्नीशियम, बेरिलियम 4, मैग्नीशियम जो है ये 12, इसी तरह कैल्शियम 20, स्ट्रोंशियम 38, बेरियम 56। तो अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखो, बेरिलियम 4 या मैग्नीशियम 12 की देखो, तो 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 12 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इनके वेलेंस इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में आ रहे हैं? एस ऑर्बिटल में। दो इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में, ठीक है, इसी वजह से हमने इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स का नेम भी दिया था, ठीक है। और ये दो के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं। दे कैन लूज टू इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं। और जब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और इसका मतलब फिर ये प्लस टू चार्ज में कन्वर्ट होने की सलाहियत रखते हैं, डाई पॉजिटिव आयन बनाने की सलाहियत रखते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट आपने पढ़ा हुआ है, द अपेरेंट चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे
इसके ऊपर प्लस टू चार्ज है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, प्लस टू। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होगी अल्कलाइन अर्थ मेटल की। तो आज के लेक्चर में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। ओके जी।